मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बिजली विद्युत विभाग द्वारा गुरुवार को काट दी गई थी, जिसके बाद विभाग में किए जा रहे काम पूरी तरह बंद हो चुके थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों से बात की तो किसी ने कोई उचित जवाब नहीं दिया और 24 घंटे से अधिक कार्यालय की बिजली चली गई। जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह को इस पूरी समस्या के बारे में बताया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद विभाग की बिजली जोड़ दी गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार का कहना था कि कार्यालय का बिजली का बिल जनवरी तक का जमा है, फरवरी का जब बिजली का बिल आएगा तभी तो जमा किया जाएगा। बिजली विभाग ने किस कारणवश हमारी बिजली काटी है उसका कोई अब तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। बिजली कटने की वजह से कार्यालय में होने वाले सभी काम पूरी तरह बंद हो चुके थे। जिलाधिकारी को इस समस्या के बारे में बताया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने आदेश दिए और विद्युत विभाग ने कार्यालय की बिजली जोड़ दी। अभी तक ये बात पूरी तरह साफ नहीं हो पाई कि बिजली किस कारणवश काटी गई थी। सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि कई स्कूलों के बिजली के बिल नहीं जमा हुए, जिसके कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बिजली काटी गई थी। ऐसे में एक बात ये भी साफ होती है कि बिजली का बिल स्कूलों का है, कार्यालय का तो नहीं। कार्यालय के सभी बिजली के बिल दिखाए गए हैं और बिल पूरी तरह जमा है। बीएसए ऑफिस के बिल जमा होने के बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा लाइट काट दी गई थी। कोई मैंने वहाँ एई और एक्सचेंज से बात करने की कोशिश की तो किसी ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और एक्सचेंज साहब ने फ़ोन भी नहीं उठाया। तो फिर मैंने जिला अधिकारी महोदय से निवेदन किया, क्योंकि हमारा जनवरी तक का बिल जमा है, फरवरी का बिल कल आया था, तो हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी नहीं थी। और मैं ये जानना चाह रहा था किस कारण बिल काट दिया गया, तो कोई ये बताने को तैयार नहीं था। तो माना जाए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ। अब ये क्योंकि वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं बिजली विभाग वाले की, मतलब क्यों काटा गया, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिला अधिकारी महोदय ने हमारे बिजली जुड़वा दी। तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही मानेंगे सर, के बह बगैर कह सुने उन्होंने किसी विभाग की लाइट काट दी। जी ऐसा तो कोई कुछ चीज बताई नहीं उन्होंने हमें और एकदम काट दी। अभी कितने घंटे आपकी लाइट कटी रही सर? ये हमारी कल और आज लाइट कल काटी थी और आज भी, तो हमारा सरकारी काम भी ऑफिस में बहुत प्रभावित हुआ।